नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि इस आदमी को आपने कहीं तो देखा है, कहां देखा है? अरे इतना मत सोचिए, क्योंकि आप मुझे हर रोज देखते हैं आईने में। जी हां, मैं आपका प्रतिरूप हूं, क्योंकि मैं हूं कॉमन मैन, यानी आम आदमी। मैं हमेशा से मार खाने के बाद पीठ सलाह कर रह जाता था। अपना दर्द दिखाने के मेरे पास न तो कोई हिम्मत थी, न ही कोई उपाय। फिर आया एक ऐसा शख्स जिसने मेरे दर्द और तकलीफ को अपनी कलम और कूचियों से व्यक्त किया। जी हां, आर के लक्ष्मण। पिछले 60 सालों से आर के लक्ष्मण अपने कार्टून्स के जरिए आम आदमी की वेदना दुनिया तक पहुंचाते आ रहे हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा तो अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में राजपाट दिया करते थे, लेकिन बेचारे कॉमन मैन के पास अपनी आने वाली पीढ़ी को देने के लिए हर जमाने में एक ही चीज होती है, समस्याएं। मैं कृष्णकांत वसावड़ा, कल का कॉमन मैन, मैंने अपने बेटे आज के कॉमन मैन को भी यही दिया है। तो आइए देखते हैं आज का ये कॉमन मैन इन समस्याओं से कैसे जूझता है। राम राम बाबूजी। अरे आगे आगे बैला चले, पीछे से किसनवा। अरे बाबूजी, थोड़ा दूध आज ज्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी भैंसिया दूध ज्यादा देने लगी है। ये ली। और हाँ बाबूजी, आज से दूध का भाव 2 रुपए कम कर दिया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम। गुड मॉर्निंग साहब। आज क्या वैलेंटाइन्स डे है क्या? साहब वैलेंटाइन डे होता तो रिक्शा वाला नहीं, रिक्शा वाली गुलाब देती। तो फिर क्यों गुलाब दे रहे हो? साहब आप रिक्शा में तो बैठे, रास्ते में खुद ब खुद पता चल जाएगा। भैया ये मीटर चल क्यों नहीं रहा है, खराब है क्या? चलेगा साहब चलेगा, पहले हम मीटर फास्ट रखते थे, आज से स्लो किया है। और हाँ, किराया भी कम कर दिया है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जी। अरे रतन, गुड मॉर्निंग सर। ये सब लोग किधर चले गए? अरे मेरा टेबल खाली क्यों है, कहाँ गई सारी फाइलें यहाँ की? सर आज सारी फाइलें बॉस देख रहे हैं। क्यों? बॉस ने कहा है डिकड़ा आज पेमेंट का दिन है, तो सबको बोल देने का कि सैलरी लेके घर जाने का। अच्छा सर, बॉस ने आपकी सैलरी 1100 रुपए बढ़ा दी है। हाँ रतन, मेरे अनमोल रतन। ये 1100 रुपया बढ़ गया। ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? और करते भी क्या हो पूरी जिंदगी? जागो मिडिल क्लास आदमी, जागो जागो मिडिल क्लास आदमी, जागो 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 जागो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दूध क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। दूध मात पिता तुम मेरे, दूध चरण करो किसकी। और एक मंदिर बन बैठी, अपने भगवान का बिठैती, पूजा करवन को पुजारी तैयार बा, लागर दिल हमार। भैया दूध इतना पतला क्यों है? कल हमारी भैंस दिन भर पानी में रही, इसलिए दूध पतला हो गया। अरे सुबह सुबह तुमको मैं ही मिला। अब सुबह सुबह आप दूध लेने आए हो तो आप ही मिलोगे ना?
अरे और हाँ, कल से लीटर पे 4 रुपए भाव बढ़ गया है। और पिछले महीने ही तो बढ़ाया था, फिर से 4 रुपए बढ़ाया। अब क्या करें बाबूजी, चारे का भाव भी 4 रुपए बढ़ गया है। ओ, 4 रुपया बढ़ गया। भावेश, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पप्पा। अरे भाई क्या हुआ? हाँ, अरे दूध की पतेली लेके यहाँ क्यों खड़े हो? पप्पा, 1 लीटर दूध का भाव 4 रुपया बढ़ गया। हाँ, दिन का 2 लीटर मतलब 8 रुपया, महीने का 240, सिर्फ फरवरी में ही बचत है। चलो, बी पॉजिटिव भावेश, बी पॉजिटिव। ये आम आदमी और महंगाई की जंग पता नहीं कब खत्म होगी। चलो 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 चलो, आजा 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 आजा, ये रिजल्ट आ गया। ए अंबिका बहन, अपनी आशा और लता का रिजल्ट आ गया है। अरे तो जल्दी बता ना कि क्या आया। एक मिनट भाभी। ए ये आवी का नाम का? हाँ, गुणसुंदरी मोटा भाई। अरे ग्रेड आया है ना, तो खुशी समा नहीं पा रही है। तो इसी बात पे आज रात को पार्टी। यस। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बोलो बोलो, क्या खाना है सबको? मम्मी पनीर मक्खन वाला, और मम्मी साथ में रबड़ी भी। अरे वाह रबड़ी। एक काम कर नानका, तू चाहे 4-1 लीटर दूध लेके आना। 4 लीटर दूध? बी पॉजिटिव भावेश, बी पॉजिटिव। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने तो साईं बाबा की मन्नत मानी थी कि अगर मेरी लता को ए ग्रेड आया, चलो बी भी आया, तो मैं पूरे परिवार के साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए जाऊंगी। अरे तो भाभी मन्नत पूरी हो गई ना? हाँ, मने पर कितना वर्षों थी हो तू कि मैं भी शिरडी जाऊं, शिरडी जाऊं और बाबा के दर्शन करूं। तो फिर शिरडी जाऊंगा कैसे मैं? हमरे दोस्त की गाड़ी में। लेकिन वो क्यों हमें लेके जाएगा? अरे तुम समझे नहीं, हमरे दोस्त का ट्रैवल एजेंसी है। लेकिन प्राइवेट गाड़ी लेके जाना बहुत महंगा पड़ेगा ना। अरे कैसे महंगी गिरेगी बताओ। अच्छा बताओ, तुम 7-8 जन अगर बस में जाते तो 3-4 हजार रुपए तो खर्चा कर ही देते, और अब तुम शिरडी जा ही रहे हो तो इतना धर्म कर्म करने वाली हमारी भाभी जी को नासिक और त्र्यंबकेश्वर का भी दर्शन करा लाओ, और पता नहीं तुम्हारे बाबूजी भी फिर जा पाएंगे या नहीं। तो बात करूं? चलो कर ही देता हूँ। हाँ शिवराज, अरे कैसा है भाई? अरे शर्मा बोल रहा हूँ भाई। हाँ भाभी जी कैसी है? का नाम का रखा मुनवा का? मुनवा को छोड़ो, तुम्हारी गाड़ी चाहिए। अरे एसी चाहिए? एसी नहीं चाहिए, छोड़। हाँ तो किलोमीटर का क्या भाव लगाओगे? अच्छा अच्छा सुनो, लमसम बता दो। अच्छा आना जाना मिला के 7 हजार होगा। अरे कुछ कम नहीं हो सकता? हाँ, अरे वो कह रहा है कहीं और से कराएंगे तो 9 हजार रुपया हो जाएगा। तो कंफर्म कर लूं? वो कहा है कि तुम्हारे बाबूजी फिर जा पाएंगे कि नहीं, कर ले। क्या बात है शर्मा जी, बॉस बुलाते हैं। हाँ हाँ जाओ। को अपना शिरडी का बुकिंग हो गया। और सुन, हम सिर्फ शिरडी नहीं, नासिक और त्र्यंबकेश्वर भी जा रहे हैं, वो भी प्राइवेट गाड़ी में। लेकिन सुन, ये सरप्राइज है, अब भी किसी को मत बताना। हाँ चल मुकुचू, अब भी सबको बता देगी। चलो चलो चलो। कुछ कहना है? बेचैनी हो रही है भाभी, घबरा मत आई भाभी। तो बोल दीजिए ना। मैं
नहीं मम्मी मत बताना। हाँ अरे भावेश ने शिरडी के साथ साथ नाशिक और त्रंबकेश्वर की भी बुकिंग कर ली है और वो भी प्राइवेट गाड़ी में। प्राइवेट गाड़ी भावेश मतलब भावेश सचिन एकदम आपल्याला सिक्सर पाहिजे। आजी बॉल टाक सिक्सर मारतो। अयो आजी मैं खीरा बना रहा है उधर खेलो जी। हमारा क्रिकेट का बॉल तुम्हारे खीरे में गिरता है इसके लिए आज के बाद तुम अपना खीरा घर के अंदर रखो या नहीं रखने का। हाँ जी अम्मा। उल्टा चोर पुलिस को डांटे। पुलिस नहीं कोतवाल कोतवाल। अयो वर्ड पे मत जाना मीनिंग तो सेम है जी। ओ ओ घर पे पो। ये बॉल तेरे को नहीं देगा इसको मैं काट के समुंदर में फेंक देगा। टाइम प्लीज कुछ बोलने के है। हम लोग परसों शिरडी जा रहे पूरी फैमिली के साथ। तो साई बाबा और वो भी प्राइवेट गाड़ी में। भावेश मतलब भावेश। हाँ शर्मा बोल। अरे भावेश न्यूज देखे कि नहीं? क्या? अरे पेट्रोल के दाम 4 रुपए बढ़ गए भाई। अच्छा अरे पेपर में छपा देख लो। वैसे तूने इतने सुबह फोन क्यों किया? ऑफिस का जल्दी शुरू हो रहा है क्या? अरे वो शिवराज है ना। शिवराज? अरे जिसकी हमने गाड़ी बुक की है भाई। हाँ हाँ उसका क्या? अरे उसका फोन था और वो कह रहा था कि पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से जो गाड़ी हमें 7,000 में पड़ रही थी उसका अब 10,000 हो जाएगा। 10,000? अरे रे रे का हुआ भावे? ए भाई तू एक काम कर तू कैंसिल कर दे। अरे लेकिन मैंने जो एडवांस दिया था वो वापस मिलेगा ना? मतलब शिरडी जाना कैंसिल? अरे क्यों कैंसिल करूंगा हम बस से जाएंगे। अरे बस का टिकट नहीं मिलेगा भाई। आ तो ट्रेन से जाएंगे। अरे ट्रेन वहां भी तो फुल है। आ तो चल के जाएंगे। अरे पैरों का तो कोई भाड़ा नहीं देना पड़ेगा ना। ए भाई तू कैंसिल कर। अरे भावेश अरे सुन तो गुलाम। ए भावेश जब मैंने सबको बोला कि हम प्राइवेट गाड़ी करके शिरडी जा रहे तो सबने अपने अपने घर से ये लोटे दिए गोदावरी का पानी भर के लाने के लिए। ये देखो ये है सीता मासी का, ये है कोकिला काकी का। बकुला हो। अरे प्राइवेट गाड़ी करके जा रहे हैं फिर क्या टेंशन है ना? ये और जाते वक्त लता और आशा जब गाना गाएंगी बैकग्राउंड म्यूजिक
भावेश। हे भावेश बेटा। हाँ पापा। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है पापा। थैंक यू बेटा। थैंक यू, क्यों पापा? ये मेरा दोस्त माणिकला, वो हमेशा मुझे सुनाता रहता है, मेरी गाड़ी वाली बेटी मुझे यहाँ लेके गई, मेरी गाड़ी वाली बेटी मुझे वहां लेके गई, जबकि उसे तो सिर्फ एक ही बेटी है। ये तो सिर्फ मुझे सुनाने के लिए वो उसे गाड़ी वाली बेटी बोलता था, लेकिन आज मैं उसे सुना के आया हूं कि मेरा बेटा मुझे पूरे परिवार के साथ शिरडी लेकर जा रहा है, और वो भी प्राइवेट गाड़ी। भावेश, हम बाबा के पास जा रहे हैं ना, मुझे विश्वास है तेरी बहन अंबिका की शादी हो जाएगी। और हाँ, अपना नानका है ना, उसका भी सब सेटल हो जाएगा। हालांकि ये सब जिम्मेदारी मां बाप की हो, मैं नहीं निभा पाया ये जिम्मेदारी, पर तूने निभाई। श्रवण कुमार ने तो अंधे मां बाप का बोझ अपने कंधे पे उठाया था, पर तूने तो उनकी जिम्मेदारियों का बोझ भी अपने कंधे पे उठा लिया। आशीर्वाद तो मैं हमेशा तुझे देता हूं, शाबाशी भी बहुत बार दी, पर आज तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू बेटा। थैंक यू। गाड़ी कैंसिल मत करना।